हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है जो आप लोगों को लेक्चर के लास्ट में मिलेगी। और तब तक हम लोग स्टार्टिंग कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस के, और जैसे ही लेक्चर एंड होगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा, और आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट तो है ही, तो उसको आप लोग ध्यान से लास्ट तक वीडियो देखिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि इफ इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन एक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ओके, इज 4, कोई क्वेश्चन ये है, इसका एक रूट क्या है 4 है, विद द इक्वेशन एक और इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स एंड प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट, कैसे रूट्स, इक्वल रूट, ओके, इक्वल रूट्स, देन द वैल्यू ऑफ क्यू, देन वैल्यू ऑफ क्यू। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, यहां पे एक मिनट थोड़ा सा हेडफोन को अरेंज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे ये कह रहा है कि एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट 4 है और एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दोनों रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। ओके, तो दोनों रूट्स, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, तो हम लोग यहाँ पे ये सॉल्व करना है कि क्यू की वैल्यू होगी क्या। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर कंडीशंस ऐसी दी हुई है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि जो पहला दिया हुआ है क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स एंड प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम लोग x की वैल्यू, जैसे यहां पे क्या कह रहा है कि x की वैल्यू यहां पे क्या है, एक रूट की वैल्यू दी है, कहने मतलब है दो, यहां पे क्या लिखा है एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब है कि यहां पे दो रूट्स होंगे। तो यहां पे अगर एक की वैल्यू अगर 4 है तो यहां पे हम लोग सब्सिट्यूट करते हैं ऑन पुटिंग द एक्स इज इक्वल टू 4, ओके, देन वी विल गेट, तो क्या मिलेगा हमें, यहां से हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4p एंड प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां से p को अगर हम लोग इवेलुएट करेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, ये कितना हो जाएगा 12 4, यानी कि 12 और 16 28 हो जाएगा, और 4 7 28 माइनस का 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा। अब यहां पे ये जो इक्वेशंस दी हुई है, इस इक्वेशंस को भी अगर हम लोग फोकस करते हैं तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ, कितना लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम लोग जो है डिस्क्रिमिनेंट का अगर फॉर्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, हम लोग कंडीशंस ये जानते हैं यहाँ पे फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वल रूट्स में क्या होता है डी की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, 0 होती है, कितनी होती है, हाउ मच वैल्यू ऑफ डी, देन डी इज, यहाँ पे डी क्या है, डी इज व्हाट, डी क्या है डिस्क्रिमिनेंट है, देन डी की वैल्यू क्या होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर, तो यहां से बी की वैल्यू कितनी है, पी है, तो यहां से कितना हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4q इज इक्वल टू 0, ओके, तो यहां से इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब यहां पे पी की वैल्यू अगर हम लोग सब्सिट्यूट कर दें तो कितनी हो जाएगी, यानी 7, ये हो जाएगा 49 माइनस 4q इज इक्वल टू 0, देन क्यू इज व्हाट, क्यू की वैल्यू को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 49/4, ये क्या होगी क्यू की वैल्यू होगी, ओके। आई होप आप लोगों को 100% समझ में आया होगा, कोई डाउट वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कह रहा है कि फॉलोइंग कंजुगेटिव टर्म्स अगर कुछ दिए हुए हैं तो वो किस में होंगे। यहाँ पे कुछ टर्म लिए हुए हैं, कैसे लिखे हैं, 1/ प्लस ये कितना लिखा है रूट एक्स लिखा है, और आगे 1 - x लिखा हुआ है, और आगे कितना लिखा है लास्ट में 1 -
रूट एक्स, ओके फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये सब के सब होंगे किस में, ये जितने भी दिए हैं ये किस में होंगे, ये एपी में है ओके, कि जीपी में है ओके, कि एचपी में है, ये सब बताना है कि एपी जीपी एचपी इनमें से किस कैटेगरी में आते हैं। और एक चीज ये है कि अगर ये तीन टर्म दिए हैं तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो एक कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ओके। तो यहां से अगर हम लोग ट्राई करें तो अगर यहां से अगर हम लोग ए प्लस सी निकालें फ्रेंड्स, तो कितना हो जाएगा, यहां से ए प्लस सी अगर निकालते हैं तो आप लोग कैलकुलेट करिएगा, तो यहां से जो वैल्यू मिलेगी कितनी हो जाएगी, वन माइनस एक्स आएगी, ओके। और यहां से टू बी की अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो यहां पे दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टू अपॉन वन माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये कितना है, कंडीशंस होल्ड कर रहा है, तो यहां से कितना हो जाएगा, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, ओके। तो इसका मतलब ये क्या है, ये कंडीशंस किसके लिए है, फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट मीन्स समांतर श्रेणी, ओके। आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिमिट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, लिमिट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड 4 टू पावर n एंड 5 टू पावर n उसकी होल पावर 1 बाई n, ये दिया है। इसकी लिमिट होगी कितनी, ओके इसकी लिमिट कितनी होगी। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस सच फॉर्म, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड 5 कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बाई 5 टू पावर n एंड प्लस 1, ये कितना होगा, 1 बाई n, ओके फ्रेंड्स, ये इतना हमें मिलेगा। क्लियर दिख रहा है। अब यहां से अगर ये इस फॉर्म दिया है तो इसकी अगर हम लोग अगर लिमिट निकालते हैं, ओके अगर लिमिट इसकी अगर हम लोग निकालते हैं तो इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होती है, अगर यहाँ पे इन्फिनिटी पुटअप करते हैं, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा केस दिया है तो यहाँ पे अगर हम लोग इन्फिनिटी पुटअप करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी, ये 5 क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाई, इस तरीके से होता है, क्या होता है, अगर कोई भी अगर ये 1 प्लस एक्स के फॉर्म दिया है, एक्स टू पावर एन दिया है, और यहाँ से कितना दिया है, ये 1 बाई एन दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ओके क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 1, तो ये आफ्टर ऑल इसकी जो लिमिट होगी, आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 टू 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 1 के साथ, तो कितनी इसकी वैल्यू आ जाएगी, 1, ओके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे कह रहा है डेरिवेटिव ऑफ, क्या कह रहा है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ओके विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो यहां से हम कुछ कंडीशंस को लिख लेते हैं, लिखेंगे हम लोग लेट अलग अलग फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं, u इज इक्वल टू हमने कंसीडर कर लिया साइन इनवर्स x, ओके, एंड v इज इक्वल टू हमने कंसीडर कर लिया कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कंसिडर कर लिया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसका इसके सापेक्ष निकालना है, तो ये हो जाएगा कितना, डी यू अपॉन डी वी, ओके डी यू अपॉन डी वी, तो कितना हो जाएगा, यहां से अगर हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले ये हमें निकालना क्या है, आफ्टर ऑल डी यू अपॉन डी वी हमें निकालना है फ्रेंड्स, क्या करना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डी यू अपॉन dx निकालेंगे, ओके फिर इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले du upon dx फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, सो सिंपल है, 1 माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, ओके अब यहां से v को देखेंगे कि जो v इज इक्वल टू लिखा हुआ है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर, तो यहां से फ्रेंड्स अगर हम लोग ये देखते हैं कि अगर इसकी वैल्यू, ये जो इस ये जो पूरा पूरा लिखा है, अगर हम कंसीडर ये कर लें,
इतना लिखा हुआ है। अगर हम एक मान लेते हैं, कंसिडर कर लेंगे एक्स इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं फ्रेंड, साइन थीटा, तो यहां से एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहां से जो वी की वैल्यू आ जाएगी क्या होगी, कास इनवर्स रूट के अंदर क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहां से इसकी जो वैल्यू होगी कितनी आ जाएगी, थीटा आ जाएगी। बात समझ में, कितनी आ जाएगी, थीटा आ जाएगी वी की वैल्यू। अब थीटा की वैल्यू यहां से अगर हम लोग निकालेंगे तो साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। ओके कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स। तो वो सब करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल वी इज इक्वल टू कितना आ गया, थीटा आ गया। तो यहां से अगर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं डीवी अपॉन डी थीटा। तो डीवी अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, एक तो ये वैल्यू निकालनी थी, एक किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें निकालनी थी डीवी अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी थी। ये भी हमें यह है कैलकुलेट करना है। ओके तो इसका मतलब ये है कि हमको निकालना क्या है, आफ्टर ऑल हमको निकालना है डीवी अपॉन डी एक्स निकालना है। तो डीवी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, डीवी अपॉन कितनी हो जाएगी, डीवी अपॉन डी थीटा एंड डी थीटा अपॉन डी एक्स, ये हमको निकालना है। तो डीवी अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये वन दी है। अब हमको क्या निकालना है, यहां से डी थीटा अपॉन डी एक्स निकालना है, यानी कि यहां से अगर हम लोग निकालेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। आ जाएगा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। तो पलट जाएगी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, वन अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहां से डीवी अपॉन डी एक्स अगर हम लोग निकालते हैं तो कितनी आ जाएगी, एक तो वन है। ओके एक तो वन है, तो और एक चीज है कि कॉस थीटा दिया है तो थीटा की वैल्यू हम लोग निकालेंगे कितनी आ जाएगी, ये साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो एक चीज यहां से अगर हम लोग देखते हैं तो ये कॉस थीटा की वैल्यू कितना हम लोग लिख सकते हैं, रूट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ओके और साइन थीटा को हमने कितना कंसिडर किया था, तो यहां से एक्स कंसिडर किया था। इसका मतलब यह है इसकी जो वैल्यू होगी फ्रेंड्स कितनी आ जाएगी, रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी। तो यहां से डीवी अपॉन डी थीटा की वैल्यू वन और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन अपॉन में हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ओके तो यहां से डीवी अपॉन डी एक्स आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें डीयू अपॉन डी एक्स निकालना है। तो डीयू अपॉन डी एक्स नहीं, क्या निकालना है, डीयू अपॉन डीवी निकालना है। तो डीवी अपॉन इसकी वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, डी यू अपॉन डी वी की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना जाएगा, यानी कि डी यू उसकी वैल्यू रख देना, और यानी कि कहने का मतलब यह है जब निकालेंगे डी यू अपॉन डी वी तो ये कितना हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स और इंटू में कितना, डी एक्स अपॉन डी वी ये। ओके तो वैल्यू को पलट करके रख देना है, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी, कितना निकाला था हम लोगों ने, वन अपॉन रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर निकाला था। अब डी एक्स अपॉन डी यू की वैल्यू को पलट करके निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन। ओके तो वैल्यू को कैंसिल आउट कर देंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ से कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो इसकी वैल्यू कितनी, डी यू अपॉन डी वी की वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड्स, ये वन आ जाएगी। ओके आप लोगों के सामने आंसर है पूरा, आप लोग देख सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा सेंसिटिव था स्टार्टिंग से, अगर हम लोग डायरेक्ट भी करना चाहते तो डायरेक्ट भी आ जाता। ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि एक इंटीग्रल दिया हुआ है, एक आई वन की वैल्यू दी हुई है। आई वन इज व्हाट, आई वन की वैल्यू क्या दी हुई है, इंटीग्रल अलोंग वन टू टू, ये कितना है, डी एक्स अपॉन रूट के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर फ्रेंड्स। ओके एंड एक आई टू दिया हुआ है, क्या दिया है, वन टू टू डी एक्स अपॉन एक्स दिया है। तो कह रहा है कि यहाँ पे कुछ कंडीशंस होंगी, आई वन की वैल्यू कुछ, यानी कि इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्या बराबर है, कंडीशंस बतानी है कि क्या बराबर है। ओके तो यहाँ से अगर हम लोग ये देखें, सबसे पहले तो हम लोग एक एक करके पोर्शन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम लोग जानते ये हैं, क्या जानते हैं, कि अगर कोई भी इंटीग्रल है अलोंग डी एक्स सॉरी एक्स, ये अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है फ्रेंड्स, सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, एक्स प्लस रूट के अंदर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक तो ये होता है फार्मूला, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा मॉडुलस में। ओके तो यहाँ से जो आई वन की इसकी वैल्यू जो होगी, आई वन की वैल्यू कितनी होगी, तो आई वन की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स, ये हो जाएगी लॉग हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा x, और ये हो जाएगा रूट के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर, इतनी वैल्यू हो जाएगी। अगर इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ लिमिट देन वी विल गेट
क्या मिलेगा लॉग के अंदर, ये कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 5 एंड माइनस लॉग ऑफ कितना हो जाएगा 1 प्लस रूट 2। ओके, इस तरह से वैल्यू मिल सकती है। अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इसकी जो वैल्यू होगी, अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, आई वन की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स, आई वन की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 0.5623। इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम लोग आई टू अगर सॉल्व करते हैं, तो अगर आई टू को सॉल्व करते हैं तो आई टू की जो वैल्यू मिलेगी, अब यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लॉग एक्स हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, लॉग एक्स हो जाएगी। सो सिंपल, लिमिट पुटअप करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग टू एंड माइनस लॉग वन। ओके, लॉग वन की वैल्यू 0, बचेगा कितना लॉग टू। तो यहाँ से अगर हम लोग इसकी वैल्यू को, अगर इसको हम लोग 2/1 भी कर दें, यानी लॉग टू बचेगा, और इसकी जो वैल्यू होगी 0.69 आ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 0.6931। तो यहाँ पे 0.5 है, 0.6 है, इसका मतलब ये हुआ इम्प्लाइज दैट आई टू इज ग्रेटर देन आई वन। ओके, यही इसमें कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस ये कह रहा है फ्रेंड्स कि इफ एफ ऑफ एफ ऑफ एक ए माइनस एक्स, क्या कह रहा है, एफ ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कह रहा है। ओके, देन इसकी वैल्यू क्या होगी, देन 0 टू a x एफ एक्स इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहां से इसको हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं फ्रेंड्स, आई फॉर इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं। देन हम एक यहाँ पे क्या करते हैं, जनरली फेमस है थर्ड प्रॉपर्टी, देन या हम इसको जनरली यहाँ पे ये लिख देंगे, देन फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ, या देन फ्रॉम इंटीग्रल प्रॉपर्टी, फ्रॉम इंटीग्रल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो जब यहाँ पे इस पे हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये भी जनरली नोन फॉर आई, ये होगा क्या 0 टू a, क्या होगा यहाँ पे अपर लिमिट में लोअर लिमिट घटाएंगे, तो यहाँ पे इस पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस ए एंड एफ ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स, यानी कि जो अपर प्रॉपर्टी में एक्स माइनस अपर लिमिट घटा देंगे। ओके, तो यहाँ से घटाने के बाद, अब घटाने के बाद क्या करेंगे, ये क्या है, ये आई वन है, आई टू है, और दोनों क्या है, सेम है। ओके, दोनों क्या है, अगर इसमें हम लोग घटाते हैं तो घटाने के बाद हमको मिलेगा क्या, यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर इन दोनों में घटाते हैं तो कितना मिलेगा फ्रेंड्स, तो ये मिलेगा कितना, इंटीग्रल अलोंग घटाते नहीं इसको, इस पे क्या करते हैं इम्प्ली जो है अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। अब मेरी बात को ध्यान से देखिएगा कि अगर यहाँ पे कितना है x लिखा हुआ है, ओके यहाँ पे कितना लिखा है x लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है a लिखा है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इसके साथ इम्प्लाई करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू होगी, ओके इसकी जो वैल्यू होगी इसको हम लोग किस हिसाब से लिख सकते हैं, 0 टू a। ओके, और यहाँ पे कितना होगा a f ऑफ x माइनस a, ओके एंड माइनस यहाँ से हम लोग dx लगा देंगे, ये कितना होगा 0 टू a, एंड ये कितना होगा एक्स के साथ अप्लाई कर देंगे तो ये कितना होगा एक्स, ये हो जाएगा कितना एफ ऑफ एक्स माइनस ए। ये कितना है आई है, इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो आई ये भी है। ओके, तो यहां से आई आई कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा, तो यहां से कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा, और ये कितना होगा 0 टू, कितना होगा फ्रेंड्स यहाँ से ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0 टू a एफ ऑफ एक्स माइनस ए एंड ये dx हो जाएगा। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग यहाँ से देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, ये जो वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे ये कितनी लिखी है एफ ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके, कितना लिखा है, यानी एफ एक्स की जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं ए माइनस एक्स लिख सकते हैं।
तो यहाँ से कहने मतलब ये है, एक फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी जो लगी हुई है इसको यहाँ पे अगर हम लोग लगाएंगे तो इस जगह पे कितना होगा, ए माइनस एक्स होगा। ओके सॉरी, यहाँ पे कितना होगा, ए माइनस एक्स है, ए माइनस नहीं तो माइनस में आ जाएगा। ओके यहाँ से क्या है, ए माइनस एक्स, ये क्या है, ए माइनस एक्स, इस तरीके से है। तो यहाँ से जब इसको हम लोग इम्प्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये है ए माइनस एक्स है, तो इसको यहाँ पे सही कर लेना आप लोग जैसा कि ऊपर लिखा है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ एक्स हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा ए, और ये कितना हो जाएगा 0 to a, ये होगा कितना होगा फ्रेंड्स, एफ एक्स, ये हो गया डी एक्स, दो नीचे आ जाएगा, कितना यहाँ से आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम लोग देख सकते हैं ए बाई टू। ओके ए बाई टू, और ये इंटीग्रल अलॉन्ग 0 to a, और ये कितना है एफ एक्स डी एक्स, यही इसकी वैल्यू हो जाएगी आई की। बस कुछ नहीं करना, गिवन प्रॉपर्टीज का यूज करना है, सो सिंपल। ओके आगे बढ़ते हैं। यहां पे जो दिया हुआ है फ्रेंड्स, कह रहा है कि एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, कह रहा है इफ ए इफ बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, बी नहीं सॉरी, इफ ए एंड बी, इफ ए ए ओके ए एंड बी ओके, दो मैट्रिसेस हैं, ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ओके स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, क्या है ऑर्डर 3 की स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, किस हिसाब से, कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1, देन इसकी वैल्यू निकालनी है डिटरमिनेंट ऑफ 3ab, इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके इसकी वैल्यू पूछ रहा है फ्रेंड्स कि इसकी जो है डिटरमिनेंट ऑफ 3ab की वैल्यू क्या होगी। तो यहां से हम लोग जानते हैं, ये जानते हैं यहाँ पे एक ये दिया हुआ है, एक और दिया हुआ है ए एंड बी ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ओके ऑर्डर 3 एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये क्या दिया है 3 दिया है। ओके तो यहाँ से जो ये डिटरमिनेंट ऑफ 3ab जो होगा फ्रेंड्स, तो क्या होगा 3 to power n। ओके इस चीज को याद रखना, 3 to power n डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है 3 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 to power 3, एंड इसकी वैल्यू कितनी दी है -1, एंड इसकी वैल्यू कितनी दी है 3 दी हुई है। ओके तो यहाँ पे माइनस सबसे पहले लग जाएगा, 3 × 9 = 27, 27 × 3 = 81, यही इसका आंसर। इस तरह क्वेश्चन जो है आप लोग समझ लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ओके और फटाफट लग जाते हैं एक मिनट के अंदर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि एक लैग्रांज इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कह रहा है कि इन लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांज एल लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ये LMVT बोलते हैं इसको, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कंडीशन दी हुई है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी एंड ओके ये एफ डैश सी की वैल्यू दी हुई है, एंड देन यहाँ पे सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि सी की वैल्यू होगी क्या, क्या कह रहा है सी की वैल्यू, क्वेश्चन मार्क है, सी की वैल्यू होगी क्या। अब कंडीशन क्या दी है कि फंक्शन, अब यहाँ पे लिखा हुआ कि इफ फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है एक्स स्क्वायर -3x - 1 एंड ए ओके, ए की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू दी है -11/7 एंड बी की वैल्यू दी हुई है 13/7, तो सी की वैल्यू को बताना है, क्या बताना, सी की वैल्यू को बताना है। ओके अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर एफ एक्स दिया है तो इसका एफ डैश एक्स कितना आएगा फ्रेंड, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा 2x - 3 आएगा। ओके तो यहाँ से हम लोग एफ डैश सी भी निकाल सकते हैं, तो एफ डैश सी कितना आ जाएगा, सी पर रख दो तो हो जाएगा कितना 2c - 3 ओके, कितना हो जाएगा 2c - 3। अब यहाँ से एफ ए निकाल लो, तो एफ ए का मतलब कितना हो गया, यहाँ से एफ ए निकाल ही लो, तो एफ ए दिया ही हुआ है ओके, एफ ए दिया ही हुआ है, तो यहाँ से अगर हम लोग इस एफ ए की वैल्यू निकालते हैं, तो एफ ए की वैल्यू को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना लिखा हुआ है,
अगर कुछ भी दिया है, अगर ए दिया है कितना, इतना दिया है, तो यहाँ से पूरे फंक्शन का एफ ए कितना आएगा, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो आ जाएगा 303/49। इसको आप लोग कैलकुलेट कर दीजिए, बस ए की वैल्यू रख देना है। और जनरली इस तरीके सिमिलरली एफ बी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो एफ बी की जो वैल्यू होगी फ्रेंड्स कितनी आएगी, माइनस का 153/49। ओके ये आएगा। ओके अब यहाँ से बी माइनस ए निकाल लो तो बी माइनस ए कितना आएगा, 24/7 आएगा। ये भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देन एफ डैश सी की वैल्यू कितनी आएगी, बस वैल्यू को रख देना है। तो एफ डैश सी की वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड्स, कितनी आएगी, एफ डैश सी की वैल्यू निकाल चुके हैं कितनी, 2c-3। तो कितनी हो जाएगी, 2c-3 इज इक्वल टू, अब कितना एफ बी, ये सारी वैल्यू रखनी है कितनी, यहाँ से जो लिखी हुई है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, तो इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 456/168। ओके इतनी वैल्यू आएगी। तो यहाँ से बस सी को कैलकुलेट कर लो तो सी की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 1/7 आ जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। ओके क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सिंपली क्या करना है, सिंप जनरली क्या है, सिंपलीफाई करना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ, बहुत ही सिंपल एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, क्या है टेन। ओके क्या है टेन, ये कितना है, 1/2 कॉस इनवर्स √5/3। मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई भी चीज़ नहीं भी दिखे तो आप लोग आवाज़ सुन करके उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको इतनी चीज़ को कॉस थीटा कंसिडर कर लें, थीटा कंसिडर कर लें, तो ये कितना हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जनरली कॉस थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, √5/3। ओके इतना लिख सकते हैं, श्योर लिख सकते हैं। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू इतनी आ गई। अब यहाँ से फिर से इसकी वैल्यू को अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, टेन। ओके कितना, 1/2, ये कितना हो जाएगा। इतनी चीज़ को जो लिखी हुई है, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर इसको हमने इतने को जो है अगर हमने माना है तो इसकी वैल्यू कितना हम ले सकते हैं, इसकी वैल्यू कितना ले सकते हैं, थीटा ले सकते हैं यहाँ से। तो इसको हम लोग कितना ले सकते हैं, टेन थीटा बाई टू ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं, टेन थीटा बाई टू ले सकते हैं। अब टेन थीटा की जो वैल्यू होती है अगर कॉस के रूप में लिखते हैं तो कितनी हो जाती है फ्रेंड्स, कितनी होगी, अंडर रूट के अंदर 1-cos θ, और नीचे कितना होगा, 1+cos θ। ओके बस वैल्यू फटाफट पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस √5/3 एंड 1+√5/3। ओके इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, जो वैल्यू उसकी कितनी आएगी, 1/2 √3-5। ओके इसके ऊपर रूट लगेगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इसके ऊपर क्या लगेगा, √3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3-√5। ओके ये इसका आंसर हो जाएगा सिंपली। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर बस क्वेश्चन आज इतने ही, एक इम्पॉर्टेंट जो नोटिस देनी थी, एक इंफॉर्मेशन भी समझ लीजिए या नोटिस समझ लीजिए, इस वीक के बाद, ओके इस वीक के बाद जो नेक्स्ट वीक होगा, उस पर हम लोग क्या करेंगे, जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक पूरे जीआईसी लेक्चरर के, उनको क्या करेंगे हम लोग, जो भी है दो दिन में क्या करेंगे, टॉपिक वाइज क्या करेंगे, एक दिन क्या करेंगे हम लोग, टॉपिक चलेगा, एक दिन टॉपिक चलेगा, दूसरे दिन क्या होगा, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ओके उसके क्या होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरीके से यही एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग देनी थी, तो आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। पहले मैं क्या करूंगा, टॉपिक को क्लियर करूंगा, टॉपिक क्लियर करने के बाद उसी से रिलेटेड जो होंगे वो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। ओके और जिससे आप लोग हेल्प जरूर मिलेगी उसे, तो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। अगर वीडियोज अच्छे लगते हैं लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक वीडियोज़ मिलते रहें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके थैंक यू, टेक केयर।